सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार राजन भगवान कृष्ण उपवन में बगीचा में अपने बच्चों को लेकर के यदु कुमार को लेकर के खेलने के लिए चले गए। भगवान बोले कि मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम सब खेल लो। बच्चे दौड़ रहे, खेल रहे, भगवान बैठे बैठे देख रहे थे। और एक बालक को प्यास लगी तो जाकर के कुआं में पानी पीने के लिए चले गए, लेकिन वहां पर पानी तो नहीं था, एक गिरगिट पड़ा हुआ था। तो दौड़ करके आए, भगवान से बोले कि पिताजी वहां पर एक गिरगिट है, चलो ना। तो भगवान गए देखने के लिए और भगवान ने जैसे देखा विशाल गिरगिट था और भगवान ने स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श मात्र से एक दिव्य स्वरूप में दिव्य शरीर उसमें प्रकट हुआ और भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आज आपकी कृपा से मैं अपने दिव्य रूप में आया और मैं आपके धाम में चला जाता हूँ। भगवान बोले आप कौन, पहले अपना परिचय बताओ। तब ये दिव्य देह वाले व्यक्ति बोलते हैं, नृगो नाम नरेन्द्रो मिक्ष्वाकुतनय प्रभो दानि स्वाख्यामानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम्, मैं राजा नृग। भगवान बोले हाँ, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। प्रभु मैं नृग नाम का राजा था और मैं गिरगिट बन गया। भगवान बोले आप क्या काम करते थे। तब राजा नृग कहते आप मुझे नहीं जानते, मैं तो बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा फेमस था। भगवान बोले कैसे। अब आजकल के लोग टिकटॉक से होते हैं, इंस्टा से होते हैं, सोशल मीडिया से होते हैं, लेकिन उस समय राजा नृग कहते हैं मेरा बहुत बड़ा नाम था, बहुत प्रख्यात में था। भगवान बोले क्या कार्य आपने किया। उस समय व्यक्ति के सद्गुणों से, सत्कार्य से व्यक्ति को जाना जाता, और आज भी जो अच्छा कार्य करता है वो सब उसको जानते हैं और मानते हैं। अब राजा नृग कहते हैं कि मैं गोदान किया करता था, मैं बहुत बड़ा दानी था, गोदान करता था। भगवान बोले अच्छा, आप गोदान करने वाले इतने बड़े दानी होने के बाद भी गिरगिट बन गए, ऐसा कैसे हो गया। तो राजा नृग बोले कि मैंने प्रभु बहुत दान किया, बहुत दान किया जिसका कोई गिनती नहीं। यावत्य हसिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो बरसधाराश्च तावती ददाम स्मगाह। जिस प्रकार बारिश के बूंद को गिना नहीं जा सकता, यावत्य सिकता भूमिर, जिस प्रकार धूल के कण को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार मैंने कितना दान किया वो भी कोई गिनती नहीं। और दिवि तारा कहा, आसमान के आकाश के तारा को हम कभी गिन नहीं सकते और बारिश के बूंद को भी नहीं गिन सकते। तावतीर ददाम स्मगाह, उसी प्रकार मैंने गोदान किया जिसका कोई गिनती नहीं। भगवान बोले अच्छा, फिर भी आप गिरगिट बने, इतना गोदान करने के बाद भी आपसे कोई गलती हुआ था क्या। तब राजा बोले कि प्रभु एक गलती मुझसे हो गया। कौन सी एक गलती। राजा बोलते हैं कि मैंने एक गाय एक ब्राह्मण को दान किया और वो गाय वापस मेरी गौशाला में आई जहां हजारों लाखों गाय थी, उस भीड़ में मिल गई और वही गाय गलती से मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया।
वही गाय एक को दिया, वही गाय दूसरे को दिया। थोड़ी देर बाद दो ब्राह्मण आए, दोनों ने कहा राजन ये गाय आपने मुझे दिया था। मैंने कहा हाँ दिया था, मना नहीं कर पाए, दिया था। सिर हिलाया। अब दूसरे ब्राह्मण ने कहा राजन ये गाय आपने मुझे दिया था, तो मैंने सिर हिलाया, दिया था, दोनों को दिया था। अब ये गलती हो गया कि एक ही गाय को दो बार दान हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, अनजाने में गलती हुआ। अब दो ही ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए, फिर दोनों ने श्राप दिया राजन आप एक फैसला नहीं कर पा रहे, आप एक को बोलते और एक को मना करते, लेकिन आप तो गिरगिट की तरह सिर हिला रहे हो, इसलिए आप गिरगिट ही बन जाओ। ब्राह्मण का श्राप कभी टाला नहीं जा सकता। ब्राह्मण ने श्राप दिया, तुरंत गिरगिट बने, और आज भगवत कृपा से, आज भगवान के स्पर्श से उस गिरगिट देह को छोड़ करके अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके और भगवत धाम चले जाते हैं।